पाकिस्तान भर में नुमाइंदगान का वसी नेटवर्क, हर खबर जानने के लिए देखते रहिए TNN टीवी। पौने 2 करोड़ की आबादी पर मुश्तमिल कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी में सेहत के हवाले से अस्पताल तो बहुत, लेकिन फिजियोथेरेपी सेंटर नायाब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने इस कमी को पूरा करते हुए गुलिस्तान जौहर में सुबेदास फिजियोथेरेपी सेंटर का आगाज कर दिया है। Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराज उल हक ने कहा है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान जुड़वा भाई हैं, उन्हें जुदा नहीं किया जा सकता। हमारी तहजीब, सकाफत और दीन मुश्तरक हैं। अफगान महाजरीन के इनखिला के फैसले में जल्दबाजी से गुरेज किया जाए। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने अल मरकज अल इस्लामी पेशावर में जमात इस्लामी की कमेटी बराए अफगान उमूर के इजलास से खिताब करते हुए किया। इजलास में पाक अफगान हुकूमतों के दरमियान तनाव और अफगानों को पाकिस्तान से निकालने के ऐलान के बाद की सूरत हाल का जायजा लिया गया। सिराज उल हक ने कहा कि दोनों ममालिक इनखिला के हवाले से मिलकर जामा मनसूबा बनाए। उजलत में किए गए फैसलों और इकदाम से तरफेन में दुनिया और मसाइल जन्म लेंगे। दोनों मुल्कों ने मिलकर इस्तेमाली कुव्वतों का मुकाबला किया है, इसलिए जरूरी है कि खुशहाल मुस्तकबिल के लिए भी मिलकर मनसूबा बंदी करें। उनका कहना था कि एक ऐसे वक्त में कि जब अफगानिस्तान में एक मुस्तहकम हुकूमत कायम है, दीगर ममालिक अपने सिफारत खाने खोल रहे हैं, पाकिस्तान को नफरत को हवा नहीं देनी चाहिए। जमात इस्लामी अफगानों का मुकदमा लड़ेगी। जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक का कहना था कि पाकिस्तान के आवाम ने निसफ सदी से मुसलसल अफगानों का साथ दिया है और उसके लिए बड़ी कीमत भी अदा की है। उन्होंने कहा कि हमें अफगान हुकूमत से भी उम्मीद है कि पाकिस्तान में दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के साथ तआवुन करेगी। दोनों ममालिक का इख्तलाफ हमारे खिलाफ सेकुलर क़ुव्वतों का मनसूबा है। इस मंसूबे को नाकाम बनाने के लिए दोनों मुल्कों के आवाम को तहम्मुल और बर्दबारी का मुजाहरा करना होगा। उन्होंने मुतालबा किया कि दोनों ममालिक पाकिस्तान में गैर रजिस्टर्ड अफगानों के इनखिला के लिए 31 अक्टूबर तक कोई बाइज्जत रास्ता निकालने की कोशिश करें। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात की तैयारियों के सिलसिले में सिंध और बलोचिस्तान का दौरा करने का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेम्बरान सिंध और बलोचिस्तान का रवाना दौरा करेंगे। दौरे के दौरान इलेक्शन कमीशन इंतखाबी तैयारियों का जायजा लेगा। इलेक्शन कमीशन की दौरों के दौरान निगरान सूबाई वज़रा आला और दीगर हुक्काम से भी मुलाकातें होंगी। ज़राए ने मजीद बताया कि दौरों के दौरान इलेक्शन कमीशन को दोनों सूबों में इंतखाबी तैयारियों पर तफसीली ब्रीफिंग दी जाएगी। अफगान ट्रांजिट ट्रेड के तहत दरामद की जाने वाली अशिया पर आयद ड्यूटी और टैक्सों की मालियत के बराबर बैंक गारंटी और बैंक गारंटी की सूरत में काबिले कैश फाइनेंशियल गारंटी को भी लाजमी करार दिया गया है। FBR ने कस्टम्स रूल्स में तरामीम कर दी। अफगान दरामदी कंसाइनमेंट्स की 25% स्कैनिंग और 10% की रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए एग्जामिनेशन होगी। इस हवाले से 2 नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए। दोनों नोटिफिकेशन के तहत FBR ने कस्टम्स रूल 2001 में तरामीम कर दी हैं। पहले नोटिफिकेशन के मुताबिक अफगान ट्रांजिट ट्रेड के तहत दरामदी सामान की गुड्स डिक्लेरेशन जमा होने के बाद 25% कंसाइनमेंट की स्कैनिंग होगी, जबकि 10% कंसाइनमेंट्स की रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए एग्जामिनेशन होगी। दूसरे नोटिफिकेशन के मुताबिक कस्टम्स रूल 2001 के रूल 471 के जेली रू 2 में तरमीम कर दी गई, जिसके तहत अफगान ट्रांजिट ट्रेड के तहत दरामद की जाने वाली अशिया के लिए दरकार काबिले कैश फाइनेंशियल गारंटीज को बैंक गारंटी की सूरत में काबिले कैश फाइनेंशियल गारंटी करार दिया गया है। इन रूल्स के लागू होने के बाद अब दरामद कुनंदगान को बैंक गारंटी की सूरत में काबिले कैश फाइनेंशियल गारंटीज फराहम करना होंगी। इसी तरह रूल 473 के जेली रूल 2 में तरमीम कर दी गई। इस तरमीम के तहत बॉन्डेड करियर और कस्टम एजेंट्स को अफगान ट्रांजिट ट्रेड के तहत दरामदी अशिया की GD फाइल करने के लिए कस्टम्स सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के तहत वाजिबुल अदा ड्यूटी को पूरा करने के लिए कस्टम के साथ बैंक गारंटी जमा करवाना होगी।
जमात इस्लामी ने बिजली कीमतों में इजाफे के खिलाफ कल गवर्नर हाउस सिंध पर धरना देने का ऐलान कर दिया। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, बिजली की कीमतों के खिलाफ कल गवर्नर हाउस पर धरना देंगे। तमाम स्टेक होल्डर्स धरने में शरीक होंगे। धरने की कयादत अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक करेंगे। उन्होंने कहा कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें इस सतह पर रखकर मईशत आगे नहीं बढ़ा सकते। पेट्रोल के साथ तमाम गजाई अशिया सस्ती होनी चाहिए। हाफिज नईमुर रहमान का कहना था कि सर्कुलर रेलवे के फोर मनसूबा अल्तवा का शिकार है। सिंध हुकूमत ने बेड़ा गर्क कर दिया और सरकारी इदारे तबाह हो गए। सिंध में स्कूलों और कॉलेजेस का हाल बुरा है। जराइम उन आबादियों में पनपते हैं जहां मौशी हालात खराब हों। किराए पर असलहा मिलता है तो स्ट्रीट क्राइम कैसे रुकेंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची ने मजीद कहा कि कल एक मीटिंग हुई, वजीर आजम को भी होना चाहिए था। कराची सिंध का कैपिटल है, पाकिस्तान की मईशत चलाता है। महंगाई बढ़ाते जाएंगे तो ये नौजवान कहाँ जाएंगे। पाक बहरिया के नए अमीर अल बहर एडमिरल नवीद अशरफ ने बहैसियत 23वें सरबराह कमान संभाल ली। पाक बहरिया की तब्दीली कमान की पुरवकार तकरीब PNS जफर इस्लामाबाद में मुनक्किद हुई। एडमिरल नवीद अशरफ हिलाल इम्तियाज तमगा बसालत ने पाकिस्तान बहरिया के 23वें सरबराह की हैसियत से कमान संभाल ली। अमीर अल बहर एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी नेवी में 40 साल गिरां कदर खिदमत के बाद आज सुबुकदोश हो गए। अमजद खान न्याजी की आमद का ऐलान बगल बजा कर किया गया और सलामी पेश की गई। नए सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ ने अमजद खान न्याजी का खैर मकदम किया। मोहम्मद अमजद खान न्याजी ने एजाजी गार्ड का मुआयना भी किया। इस मौके पर अमीर अल बहर एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी ने तकरीब से खिताब करते हुए अपने 3 साल में नेवी को मजीद मजबूत बनाने की काविशों से आगाह किया। इसके बाद नेवल सेक्रेटरी रियर एडमिरल फैसल अमीन ने वजारत दिफा हुकूमत पाकिस्तान का नए अमीर अल बहर की नामजदगी का ऐलामिया पढ़कर सुनाया। सुबुकदोश सरबरा ने रिवायती स्क्रोल पेश करके कमान नए अमीर अल बहर के सुपुर्द की, जिसके बाद एजाजी गार्ड ने नए अमीर अल बहर एडमिरल नवीद अशरफ को सलामी पेश की। परेड ने एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी को कौमी नारे के साथ रुखसत किया। पाक बहरिया के नए और सुबुकदोश नेवल चीफ्स इकट्ठे परेड वेन्यू से रवाना हुए। सीनियर फ्लैग अफसरान ने सुबुकदोश नेवल चीफ की कार को रिवायती अंदाज में रस्से की मदद से खींचकर अलविदा किया।